and welcome to 30 mein 30, the daily dose of B-Town, a show which gives you the day's lowdown of all the best happenings which Bollywood has to offer. Ek aisa show jahan khabrein hongi fatafat, yani ek ke baad ek 30 khabrein. To intezar kis baat ka? Let's take a look. 30 khabrein fatafat. खबरों की माने तो एक्टर ऋतिक रोशन फिल्म मोहनजोदड़ो की रिलीज के बाद अपने ब्राउन हेयर हाइलाइट्स को लेकर मिल रहे क्रिटिसिज्म से काफी गुस्से में हैं। और दरअसल ऋतिक ने आशुतोष गोवारिकर को पहले ही कहा था कि उनके हेयर के ब्राउन हाइलाइट्स को VFX इफेक्ट से फिल्म के फाइनल पार्ट्स में हटा दिया जाए, लेकिन आशुतोष ऋतिक की इस रिक्वेस्ट को भूल गए और अब ऋतिक इस बात को लेकर आशुतोष से काफी नाराज हैं। 30 खबरें फटाफट। रणवीर सिंह को बॉलीवुड में मिल गया है एक नया जिगरी दोस्त। जूम को एक्सक्लूसिव सोर्सेज से खबर मिली है कि रणवीर सिंह और शाहिद कपूर काफी अच्छे दोस्त बन गए हैं और इनकी दोस्ती की शुरुआत हुई है मुंबई के एक जिम से, जहां ये दोनों स्टार्स वर्कआउट करने जाते हैं। वेल, अब तक सिर्फ रणवीर और अर्जुन कपूर के याराने की खबर सामने आई थी, लेकिन अब रणवीर और शाहिद के याराना की चर्चा हर जगह है। 30 खबरें फटाफट। एक्टर सूरज पंचोली ने रिसेंटली एक गर्ल गैंग के साथ की जमकर पार्टी, लेकिन सूरज की इस पार्टी को कोई कैप्चर नहीं कर पाया। दरअसल सूरज पंचोली को इस पार्टी वेन्यू पर मीडिया के पहुंचने की खबर पहले से ही लग गई थी। ऐसे में वो खुद इस पार्टी वेन्यू के पिछले दरवाजे से अकेले निकल गए और अपनी गर्ल गैंग को सामने के दरवाजे से जाने के लिए कहा। साफ है सूरज पार्टी तो करना चाहते हैं, लेकिन छुप छुप कर। 30 खबरें फटाफट। रिसेंटली फिल्म हैप्पी भाग जाएगी की रखी गई एक स्पेशल स्क्रीनिंग, जहां फिल्म के लीड एक्टर्स अभय देओल और डायना पेंटी तो नजर नहीं आए, लेकिन यहां अली फजल, जरीन खान, विकी कौशल और ऋचा चड्डा जैसी सेलिब्रिटीज को जरूर स्पॉट किया गया। 30 खबरें फटाफट। रितेश देशमुख ने रिसेंटली अपनी फिल्म बैंजो का स्पेशल सॉन्ग बाप्पा किया लॉन्च, और इस सॉन्ग लॉन्च इवेंट पर रितेश इतने एक्साइटेड दिखे कि उन्होंने वहां परफॉर्म करना शुरू कर दिया। 30 खबरें फटाफट। खबरों की माने तो फिल्म रॉक ऑन 2 के स्टार्स अर्जुन रामपाल और पूरब कोहली के बीच काफी ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है। कहा जा रहा है कि फिल्म के सेट पर इन दोनों के बीच वर्बल फाइट भी हुई थी। ऐसे में रिसेंटली जब रॉक ऑन 2 की प्रमोशन मीटिंग बुलाई गई, तब फिल्म के मेकर्स ने अर्जुन और पूरब से अलग अलग जगह मुलाकात की, क्योंकि ये दोनों स्टार्स एक साथ एक ही जगह पर मीटिंग नहीं करना चाहते थे। 30 खबरें फटाफट। Later on the show, Big B ने दिया शोभा डे को क्या करारा जवाब। 30 स्टार्स ने किया रक्षाबंधन सेलिब्रेट। दीपिका ने अपने बॉडीगार्ड को बांध दी राखी, आफ्टर ऑल वो उन्हें प्रोटेक्ट जो करते हैं। वहीं वरुण धवन ने भी अपनी राखी सिस्टर के साथ मनाया ये फेस्टिवल। इसके अलावा कंगना जहां अपने ब्रदर अक्षित के साथ वियर्ड पोज करती दिखी, वहीं ऋतिक ने ये स्वीट सी पिक्चर अपनी सिस सुनैना के साथ पोस्ट की। अक्षय भी अपनी बहन अलका के साथ नजर आए। सिमिलरली अनुष्का, सैफ अली खान, फरहान जोया, फरा और साजिद ने भी इस फेस्टिवल को एंजॉय किया। 30 खबरें फटाफट। सलमान के लिए ये रक्षाबंधन बन गया बेहद स्पेशल, जब उलिया वेंटोर सलमान के साथ पहुंची उनकी सिस्टर अर्पिता के घर। हर साल की तरह इस साल भी रक्षाबंधन के फेस्टिवल पर सलमान अपनी दोनों सिस्टर्स अर्पिता और अलवीरा से राखी बंधवाने पहुंचे। 30 खबरें फटाफट। खबर है कि अरिजीत सिंह ने सलमान खान के लिए किसी भी फिल्म में गाना ना गाने का फैसला कर लिया है, लेकिन अरिजीत ने तुरंत डिनायल देकर इस न्यूज को गलत बता दिया है। अरिजीत ने कहा है, ये न्यूज बिल्कुल गलत है और मैं बहुत जल्द सलमान खान के लिए एक सैंपल सॉन्ग रिकॉर्ड करूंगा। 30 खबरें फटाफट।
रामगोपाल वर्मा ने साउथ स्टार रजनीकांत को लेकर किया एक ट्वीट। यू कैन एनी डे डू अ रोबो इन योर स्लीप बट रजनीकांत कांट डू एन ईगा इवन इन हिज ड्रीम रिस्पेक्ट। लेकिन रामू का ये ट्वीट रजनीकांत के फैंस को पसंद नहीं आया और फिर रजनीकांत के फैंस ने रामगोपाल वर्मा के अगेंस्ट ट्वीट करना शुरू कर दिया। सिमिलरली यू कैन नेवर बी अ सेंसिबल ह्यूमन इन योर स्लीप नो योर ड्रीम्स। 30 खबरें फटाफट। रियो ओलंपिक्स को लेकर शोभा डे के कंट्रोवर्शियल ट्वीट पर अमिताभ बच्चन ने दिया करारा जवाब। आप खाली हाथ नहीं मेडल लेकर वापस आ रहे हैं और हम आपके साथ सेल्फी निकालना चाहते हैं। यही नहीं, जब फॉर्मर क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने सोशल मीडिया पर शोभा डे को टॉन्ट करते हुए ट्वीट किया, साक्षी मलिक के गले में मेडल कितना शोभा दे रहा है ना, तो इस ट्वीट पर भी अमिताभ ने किया रीट्वीट। हां वीरू जी, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर ने एक और सिक्स मार दिया स्टेडियम के बाहर। शायद ये बिग बी का ओलंपिक्स प्राइड है जिसने हमेशा डिप्लोमेटिक रहने वाले अमिताभ को नॉन डिप्लोमेटिक बना दिया। 30 खबरें फटाफट। ये है सुशांत और कृति की लेटेस्ट पिक्चर जिसमें सुशांत और कृति काफी क्लोज नजर आ रहे हैं। पिछले काफी समय से सुशांत और कृति के लिंकअप की न्यूज आ रही है, लेकिन इस खबर को हमेशा सुशांत और कृति ने गलत बताया है। ऐसे में पिक्चर्स कुछ और बोल रही हैं और ये रूमर्ड कपल कुछ और ही कह रहे हैं। 30 खबरें फटाफट। सुष्मिता सेन और सलमान खान से हमेशा पूछा जाता है एक ही सवाल कि क्या वो सिंगल रहकर खुश हैं, और कल सुष्मिता ने दिया इसका जवाब कि वो सिंगल रहकर कैसा फील करती हैं। तो ऐसे लोगों से ये सवाल करते हैं who celebrate being single. They're not single because they didn't find anyone. They did that by choice and go Salman, go Sush. 30 खबरें फटाफट। अमीषा पटेल अपनी डेब्यू मूवी कहो ना प्यार है को लेकर हैं इतनी बड़ी गलत फहमी में कि ना ही वो मोहिंजोदारो को फेलियर बताने में शर्माती हैं और ना ही किसी को डांटने से पहले सोचती हैं। और इस वक्त मोहिंजोदारो के प्रमोशंस के लिए भी अगर आपने जज किया होगा तो चाहे पूजा हेगड़े का डब स्मैश कहो ना प्यार है के गाने पे था और ऋतिक ने हर जगह कहो ना प्यार है के प्रमोशंस किए। I'm sorry that the film didn't do well, but tag was to come as with a newcomer. लेकिन हर फिल्म ऐसे कामयाबी नहीं पा सकती, you know, with a newcomer. So yes, वो जो प्यार बसा हुआ है ऋतिक और मेरे लिए साथ में, कहो ना प्यार है टू बनेगी तो बम्पर ओपनिंग ही मिलेगी उसको श्योर। मैं क्या कहा आपसे, सोशल मीडिया चाहते हैं कि मैं और ऋतिक कहो ना प्यार है मेरा आ जाए वापस। कहो ना प्यार है अधूरी, जैसे गदर अधूरी होगी मेरे बगैर या कोई एक्टर के बगैर, तो ये बेवकूफों का सवाल है कि आप कौन सा प्यार चाहोगे सीक्वल, ये क्या बात है। 30 खबरें फटाफट। कल रात मुंबई में हुए एक फैशन शो में नजर आए कई सारे बॉलीवुड स्टार्स, जहां शो स्टॉपर रही सुष्मिता सेन। वहीं दूसरे स्टार्स थे डेजी शाह, एली अवराम, सूरज पंचोली, इमरान हाशमी, प्राची देसाई, अमीषा पटेल और शर्मन जोशी जैसे कई और स्टार्स। देखिए फैशन शो की कुछ ग्लिम्पसेस। खबरें फटाफट। दिशा पाटनी जो कि टाइगर की रियल लाइफ गर्लफ्रेंड बताई जाती हैं, वो एमएस धोनी द बायोपिक में धोनी की फॉर्मर गर्लफ्रेंड का रोल प्ले कर रही हैं और इसके लिए उन्होंने सिर्फ 15 दिन में एक ट्राइबल लैंग्वेज पर कमांड हासिल की। धोनी के होम स्टेट झारखंड में बोलने वाली इस असूरी भाषा को सीखने के लिए दिशा रोज 2 घंटे ट्रेनिंग लेती थी। 30 खबरें फटाफट। खबर है कि जहां सितंबर में संजय लीला भंसाली को पद्मावती की शूटिंग स्टार्ट करनी थी, वहीं अभी तक इसकी स्टारकास्ट ही फाइनल नहीं हो पा रही है और इसके पीछे मेन रीजन दीपिका पडुकोण है। दरअसल दीपिका के लवर के रोल के लिए जहां रणवीर सिंह के इनकार करने के बाद शायद ऋतिक रोशन फाइनल कर लिए गए हैं, वहीं दीपिका के हस्बैंड के साइड रोल के लिए विक्की कौशल को लिए जाने का चांस था, वहां दीपिका के इनकार के बाद विक्की को कैंसिल कर दिया गया। दरअसल फिल्म में कुछ इंटीमेट सीन्स हैं जो दीपिका कंपैरेटिवली न्यूकमर विक्की कौशल के साथ नहीं करना चाहती हैं। 30 खबरें फटाफट।
जहां कुछ दिनों पहले खबर थी कि आनंद एल राय की आने वाली मूवी शाहरुख खान स्टारर ड्वार्फ में कैटरीना की जगह अब दीपिका को फाइनल किया जाएगा, वहीं अब कैटरीना ने भी निकाल लिया है इस चीज का बदला। खबर है कि करण जौहर की नेक्स्ट डायरेक्टोरियल जिसमें वो फवाद खान को लेना चाहते हैं, उसमें जहां करण पहले दीपिका को कंसिडर कर रहे थे, अब कैटरीना ने बाजी मार ली है। शायद ड्रीम टूर की दोस्ती काम आ रही है। 30 खबरें फटाफट। खबर है कि शाहरुख खान बन सकते हैं धूम 4 में नए विलन। जी हां, जॉन रितिक और आमिर खान के बाद अब आदित्य चोपड़ा इज कीन टू कास्ट शाहरुख खान इन द 4th इंस्टॉलमेंट ऑफ द फ्रेंचाइज। सोर्सेज के अकॉर्डिंग शाहरुख खान से उनकी डेट्स और रेम्यूनरेशन को लेकर बात चल रही है। वैसे शाहरुख से पहले सलमान खान को इस रोल का ऑफर दिया गया था, लेकिन सलमान फिलहाल नेगेटिव कैरेक्टर नहीं करना चाहते हैं और इसीलिए उन्होंने धूम 4 में नेगेटिव रोल का ऑफर नहीं एक्सेप्ट किया। आपको बता दें कि सुनने में ये भी आया था कि रणवीर सिंह फिल्म में अभिषेक बच्चन की जगह नजर आएंगे। 30 खबरें फटाफट। सुनने में आया है कि ड्रीम टीम के साथ यूएस टूर पर गई आलिया भट्ट वरुण धवन के साथ काफी अच्छे से बॉन्ड कर रही हैं। व्हाइल हर इक्वेशन विद बो फ्रेंड सिद्धार्थ मल्होत्रा डजंट सीम टू बी क्लिकिंग क्वाइट सो वेल एट द मोमेंट। सोर्सेज की माने तो टूर पर सिद्धार्थ मल्होत्रा लेफ्ट आउट फील करने लग गए, क्योंकि टूर पर जहां एक तरफ वरुण आलिया एक साथ होते हैं, वहीं आदित्य और कैटरीना की जोड़ी बन गई है और परी तो खुद की ही कंपनी एंजॉय करती है, तो सिड के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। 30 खबरें फटाफट। कमिंग अप ऑन द शो, अनुपम खेर सीक्रेटली कर रहे हैं अपनी हॉलीवुड फिल्म की शूटिंग। खबरें फटाफट। काजोल अपनी नेक्स्ट फिल्म में सिंगल मॉम के रोल में आने वाली है नजर। वेल, हम बात कर रहे हैं एड फिल्म मेकर राकेश साठी की बॉलीवुड डेब्यू फिल्म की। सोर्सेज की माने तो फिल्म की पूरी कहानी काजोल के अराउंड रिवॉल्व करेगी। फिल्म में काजोल का कैरेक्टर 8-year-old चाइल्ड की माँ का होगा जो अपने हस्बैंड से अलग रह रही होती है। आपको बता दें कि राकेश साठी अजय देवगन के क्लासमेट रह चुके हैं और काजोल इनके साथ कई एड फिल्म्स शूट कर चुकी हैं। 30 खबरें फटाफट। अनुपम खेर सीक्रेटली कर रहे हैं अपनी हॉलीवुड फिल्म की शूटिंग। वेल यस, होटल मुंबई जो कि मुंबई में हुए 26/11 टेरर अटैक्स पर बेस्ड है, इसकी शूटिंग के लिए अनुपम खेर ऑस्ट्रेलिया गए हुए हैं। फिल्म में एक्टर अनुपम खेर सेलिब्रिटी शेफ हेमंत ओबेरॉय का रोल प्ले कर रहे हैं, हु एज द कॉर्पोरेट शेफ ऑफ द अंडर अटैक ताजमहल होटल केप्ट द किचन रनिंग टू सर्व गेस्ट्स अमिडस्ट द मेहम। अनुपम खेर ने फिल्म की ज्यादा डिटेल्स डिस्क्लोज न करते हुए कहा है, द होटल हैज बीन रिक्रिएटेड एट एडिलेड स्टूडियोज, वी आर शूटिंग द इंडोर सीन्स हियर। 30 खबरें फटाफट। श्रीदेवी जिन्होंने रिसेंटली अपनी होम प्रोडक्शन फिल्म मॉम की शूटिंग फिनिश की है, उनकी नेक्स्ट सलमान खान की होम प्रोडक्शन फिल्म हो सकती है। बात है कि सलमान खान प्रोडक्शन ने फिल्म मेकर विपुल शाह की स्क्रिप्ट ऑलरेडी ओके कर दी है और मदर सन रिलेशनशिप पर बेस्ड इस फिल्म के लिए श्रीदेवी को अप्रोच किया गया है। 30 खबरें फटाफट। करीना कपूर को स्पॉट किया गया एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो के बाहर। वेल, रेड एंड व्हाइट स्ट्राइप्ड मैक्सी ड्रेस में द मॉमी टू बी लुक्ड वाइब्रेंट विद दैट बेबी बम्प। करीना दिसंबर में अपना फर्स्ट बेबी एक्सपेक्ट कर रही हैं। 30 खबरें फटाफट। करण जौहर ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर की है अपने ड्रीम टूर टीम की एक पिक्चर। न्यूयॉर्क में धमाल मचाने के बाद ड्रीम टूर टीम पहुंच चुकी है शिकागो। यहां रैपर बादशाह को छोड़कर सब दिखे इस पिक्चर में। 30 खबरें फटाफट। प्रियंका ने अपने टेलीविजन सीरीज के सेट से एक और वीडियो शेयर किया है। उसमें वो अपने अमेरिकन टीवी सीरीज क्वांटिगो के दूसरे सीजन के शूट के लिए मेकअप करवाती नजर आ रही हैं। प्रियंका चोपड़ा अपनी मेकअप आर्टिस्ट के साथ मस्ती करती दिख रही हैं। कोई ऑन सेट्स फन करना तो प्रियंका से सीखे। 30 खबरें फटाफट।
अनिल कपूर के शहजादे हर्षवर्धन को स्पॉट किया गया एक मिस्ट्री गर्ल के साथ। अब आप सोच रहे होंगे कौन है ये मिस्ट्री गर्ल। इससे पहले आप कुछ और सोचे, हम आपको बता दें कि ये पिक्चर है उनकी मूवी भावेश जोशी की, जिसमें उन्हें विक्रमादित्य मोटवानी डायरेक्ट कर रहे हैं। 30 खबरें फटाफट। परिणीति अपनी ड्रीम टीम के साथ खूब मस्ती कर रही हैं और इसका सबूत है ये वीडियो, जहां उन्हें वरुण और आदित्य के साथ जिम जाते देखा जा रहा है। ये वीडियो परी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर किया है। लगता है वेट लूज करने के बाद परिणीति अपनी फिटनेस को बहुत सीरियसली ले रही हैं। 30 खबरें फटाफट। बिपाशा करण को पूजा करते देखा गया। ये पूजा थी बिपाशा के घर में। यहाँ बिपाशा करण के साथ बिपाशा की माँ और बहन को भी स्पॉट किया गया। इस स्पेशल पूजा में बिपाशा के राखी ब्रदर डिजाइनर रॉकी एस भी नजर आए। 30 खबरें फटाफट। रणबीर कपूर अपने फेलियर से हैं बहुत ज्यादा परेशान। इस बात को उन्होंने अपने कैंडिड इंटरव्यू में एक्सेप्ट कर लिया है। रणबीर का कहना है कि उन्होंने लाइफ में सक्सेस बहुत देखी है और जब उन्हें अब लाइफ में फेलियर मिली है तो वो बहुत नर्वस हैं और इस फेलियर की वजह से उनके पेरेंट्स भी परेशान हैं। पर रणबीर का ये भी कहना है कि वो बॉलीवुड में धमाकेदार वापसी की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं।